हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन टॉपिक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांक्यूलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स। ट्रांक्यूलाइजर्स आर यूज्ड बेसिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीजेस। मीन्स ट्रैंकुलाइजर्स वो मेडिसिंस होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि स्ट्रेस को, और जो कि आज की टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट और जनरल प्रॉब्लम है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स मेडिसिंस यूज़ होती हैं उन्हें हम ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस और माइल्ड और बहुत ज़्यादा मेंटल डिजीज़ को लैस से रिलीफ देने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। दे रिलीव एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इरेबिलिटी और एक्साइटमेंट ऑफ बाई इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बींग्स। जितनी भी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, इरेटेबिलिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, सभी को ये कंट्रोल करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए ही इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। दे आल्सो फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ये स्लीपिंग पिल्स जो ये लोग यूज़ करते हैं, आज के टाइम में बहुत पैसा है, बहुत वर्क है, तो उससे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके चलते हुए लोगों को स्ट्रेस के साथ साथ धीरे धीरे स्लीपनेस कम होने लगती है, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, तो स्लीपनेस में भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोराड्रेनालिन प्लेज ए वाइटल रोल इन द मूड चेंजेस। आपका मूड ऑफ है तो आपको नोराड्रेनालिन लेनी है। क्लोराडाइज पॉक्साइड एंड मैप्रो मैट आर सूटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन से रिलीव करने के लिए। इक्वानिल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन। बारबिट्यूरेट्स डेरिवे एंड इट्स डेरिवेटिव दैट इज़ बारबिट्यूरिक एसिड लाइक वेरोनल, एमाइटल, नैमब्यूटेनल, ल्यूमिनल एंड सेकनल। दे आर यूज हिप्नोटिक स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, एज ए स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं। सेकेंड टाइप की जो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, दे आर एनाल्जेसिक्स। दे रिप्रोड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दे रिलीफ स्केलेटल पेन, रिड्यूस फीवर, एंटीबायोटिक्स की तरह लाइक एस्पायरिन, पैरासीटामोल जो कि कॉमन ड्रग्स हैं जो आप लोग जनरली यूज़ करते हैं। एस्पायरिन इज़ यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स ड्यू टू एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है एस्पायरिन। नेक्स्ट वन इज़ नार्कोटिक एनाल्जेसिक रिलीफ पेन एंड रिप्रोड्यूस स्लीप, चीफली यूज फॉर रिलीविंग ए पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड पेंस टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ लाइक मॉर्फिन, हेरोइन, कंडीन एक्सेट्रा कैडीन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।